ध्यान रखें इस साल 24 जनवरी से पूरा अगस्त सितंबर तक अपने क्रोध से बचें आने वाले भूमि भवन वाहन के योग को अपने क्रोध से न जाने दें अपनी वाणी को मधुर करें यह योग बड़ा प्रभावी इनका बन के ही रहेगा मकर राशि वाले ध्यान रखें सितंबर तक मार्च से लेकर सितंबर तक किसी रोग किसी ऑपरेशन का योग बन सकता है अपनी दैनिक दिनचर्या व्यायाम पर ध्यान दें अपना रेगुलर चेकअप कराएं, मोटापे पर कर ध्यान दें सितंबर तक किसी विश्वासघात से भी बचें, ज्यादा विश्वास किसी पर ना करें। कुंभ राशि उपलब्धियों का मार्केट है इस समय बड़ी ऑपरचुनिटी ऑपर्चुनिटीज इनके पास आने वाली है व्यापार और नौकरी और गवर्नमेंट जॉब गवर्नमेंट सेक्टर से लाभ ये सब इनके पास आने वाला है समय 10 जून तक मीन राशि 30 मार्च तक व्यापार में नौकरी में और गवर्नमेंट सेक्टर से इनको लाभ मिलने वाला है ये बारह राशि आपके लिए शुभ हो फलकारी हो आपको हम इसके टोट के उपाय भी बताते हैं कन्या राशि वाले कन्या राशि वाले इस साल 2020 में जुलाई 2020 अगस्त 2020, सितंबर 2020, नवंबर 2020 और दिसंबर 2020 में सावधान है सावधानी का मतलब कोई भी कार्य समझ के करें मान लें कि अगर आपको कोई इलेक्ट्रिसिटी कोई बल्ब जो जल रहा है वो आपको लाइट प्रदान कर रहा है अगर हम उसे अपने ज्ञान से पॉजिटिव नेगेटिव बोर्ड में सही से लगा रहे हैं अगर हमने उन दोनों वायर को अगर एक ही वायर में लगा दिया तो ब्लास्ट कर जाएगी ग्रह भी आपको यही बताता है कि आपको ज्ञान देता है कि आपको ज्ञान है तो आप वह काम नहीं करेंगे जिससे आपको नुकसान हो तुला राशि वाले तुला राशि वालों के लिए मार्च 2020 हजार अक्टूबर 2020 और दिसंबर 2020 हजार बीस सावधान रहने वाला है वृश्चिक राशि जुलाई 2020, अगस्त 2020, और सेप्टेंबर दो मतलब मध्य मत के जुलाई अगस्त सितंबर में इनको सावधान रहने की जरूरत है सबसे पहले आप सबको नए साल 2020 की बहुत बहुत शुभकामनाएं और भगवान श्री गणेश से, से प्रार्थना करेंगे कि यह साल आपके लिए शुभ मंगलकारी हो यह साल 2020 अगर हम परसेंटेज की बात करते हैं तो यह 50 50 परसेंट भी आपको मिलेगा 50 परसेंट का जहां आपके जीवन में यह शुभ फलकारी 50 परसेंट आपको फल दे रहा है अच्छे फल दे रहा है वही पचास विपरीत फल भी दे रहा है लेकिन अगर ये विपरीत फल का उपाय आप करते हैं अगर आप अपने ग्रह का अपने लग्न का अपनी राशि का और अपने खराब ग्रह को ठीक करने के लिए बताए गए उपाय और टोटकों का प्रयोग करते हैं तो से किया गया यह उपाय आपके आने वाले 50 परसेंट खराब को या अच्छे फल में परिवर्तित कर देता है आपको क्या देने जा रहा है फिंस्टन? तीन आने वाले साल में ये जो बारह राशि है बारह राशियों में सबसे पहले मैं बात करूंगा मेष राशि की तो मेष राशि के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण दिन है अच्छा या बुरा, मैं आपको दोनों बताऊंगा तो अच्छे के लिए जो मेष राशि वालों को मिलने वाला है वह वा 22 मार्च से 4 मई के बीच में जिनका प्रमोशन रुका हुआ है उनका प्रमोशन होने वाला है नए व्यापार के ट्रेडिंग के नए रास्ते बनने वाले हैं विद्यार्थियों को सफलता प्राप्त होने वाली है लेकिन इनको अपनी वाणी पर कंट्रोल करना पड़ेगा अपने क्रोध से बचना होगा और जल्दीबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना होगा वृक्ष राशि वृक्ष राशि वालों के लिए 24 जनवरी से 30 मार्च के बीच में इनका भी प्रमोशन तय है विद्यार्थियों को पढ़ाई में भटकाव हो सकता है घूमने का उनका मन कर सकता है घूमने से इनको सावधान रहने के लिए माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी की आराधना दोनों की आराधना करनी चाहिए तो इनका घूमने से मन हटेगा और पढ़ाई में स्थिरता प्राप्त होगी मिथुन राशि वालों के लिए पूरा साल सावधान रहने वाला है दो या तीन माह को छोड़कर पूरे साल शुरू के सितंबर तक वो अपने पार्टनरों से खासकर सावधान रहें प्लान बहुत अच्छा बनाएंगे अगर कहा जाए तो ये भगवान श्री गणेश माता लक्ष्मी और बजरंग मार्गा का कर पाठ करते हैं तो ये साल इनके लिए बहुत अच्छा होगा साथ में महामृत्युंजय का जप भी करें तो मिथुन राशि वालों के लिए जो यह साल सेवेंटी परसेंट खराब है वह हंड्रेड परसेंट सही हो सकता है तो मैं आने वाले नए साल 2020 की सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं प्रत्येक साल वर्ष आता है लोग अपने जीवन में नए साल की तैयारी करते हैं प्लान करते हैं कि मुझे इस साल क्या करना है और हम देखते हैं ग्रह देखता है कि यह साल उनके लिए क्या लेके आने वाला और क्या करेगा तो पूरे तरीके से अगर ग्रहों के परसेंटेज की बात करते हैं तो यह साल फिफ्टी फिफ्टी परसेंट हम कह सकते हैं कि आपके जीवन में अगर पूरे ग्रहों का एवरेज देखा जाए बारह राशि होगा तो 50 परसेंट का शेयर आपके भाग्य में आता है और 50 परसेंट आता है आपके कर्मों पे। किसी भी ग्रह में अगर कर्म या फल सही नहीं है तो दोनों में एक भी गड़बड़ है तो फल कम होता है अगर फल 50 परसेंट कम है और अगर आपके कर्म उसका उपाय करके पूरा कर लेते हैं श्रद्धा भाव से तो उनके जीवन का वो हंड्रेड परसेंट बन जाता है भगवान देवगुरु बृहस्पति के, के पास से आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक तीनों क्षेत्र में इनके वर्चस्व इनको प्राप्त होने का योग बनाता है विशेष रूप से तीस मार्च से तीस जून तक का समय इनके लिए बहुत ही खास सिंह, सिंह राशि वाले जातक ग्यारह मई से 29 सितंबर के बीच अपने व्यवसाय नौकरी पढ़ाई इन सब पे ध्यान दें अच्छा समय है लेकिन भटकाव भी दे रहा है अपने शत्रुओं से अपने विरोधियों के षडयंत्र का शिकार बन सकते हैं बचें सावधान रहें आंख मूंद कर किसी पे विश्वास न करें कन्या 10 सितंबर से 14 नवंबर के बीच आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण समय है किसी भी पेपर पर साइन करने से पहले सिग्नेचर करने से पहले उसको जरूर से पढ़े आपके विरोधी भी आपको परेशान कर सकते हैं 30 जून से 20 नवंबर के बीच आपके पास नया व्यापार नई नौकरी आने का योग बन रहा है तुला तीस जून तक इनकी छोटी और बड़ी यात्राओं का योग बनता है यात्राओं में अत्यधिक खर्च से बचें। सुदूर विदेश यात्राओं का भी योग बन रहा है इनको 24 जनवरी से लाभ वाहन सुख और दाम्पत्य सुख मिलने का पूरा पूरा योग बन रहा है इस साल 2020 में आठ माह लगातार फरवरी मार्च मई जून अगस्त सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 2020 ये सब सावधान रहने वाला है अगर देखा जाए तो ये आठ माह सन दो हजार बीस के मिथुन राशि वालों के लिए थोड़ी उनके पर भारी पड़ सकते हैं तो जो मैं टोट के उपाय बताऊंगा ये उपाय जरूर करें कर्क राशि मार्च 2020 जून 2020 अक्टूबर और नवंबर 2020 यह चार माह इनके लिए भी सावधान पूर्वक है बाकी के माह इनके लिए अच्छे फलदाई शुभता लाने वाले हैं सिंह राशि सिंह राशि कुंभ लग्न सिंह राशि विपरीत लेकिन इनको भी मई 2020 जुलाई 2020 सितंबर 2020 और अक्टूबर 2020 हजार चार माह बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है उपाय हम बताएंगे आपको नए साल में अगर हम राशियों की बात करें तो मैं तीन चार चरण में आपसे बात करूंगा मेष, ब्रिक मिथुन इन तीन राशियों वालों के लिए अगर जो मिलने वाला है तो वह प्रमोशन मिलने वाला है व्यापार में तरक्की मिलने वाली है छात्रों के लिए वृक्ष राशि सफलता लेके आने वाला है और वृक्ष राशि के व्यवसाय वालों के लिए अकस्मात लाभ की लाभ भी लेकर आ रहा है अगर वह शेयर के काम में व्यस्त है शेयर का काम उनका व्यवसाय है या कोई अगर अकस्मात कार्य कर रहे हैं प्रॉफिट वाला ट्रेडिंग वाला तो अकस्मात हंड्रेड परसेंट उनके जिंदगी में यह साल लाभ लेके आ रहा है मेष राशि वालों के लिए जो साल में सबसे बढ़िया दिन लेके आने वाला है जो सबसे बढ़िया माह लेके आना आने वाला है वह जनवरी का मेष राशि वालों के लिए जनवरी से उनके भाग्य उनके ग्रह उनके फेवर में हो जाएंगे खाली अगर उनको सावधान रहना है तो अपनी क्रोध वाली वाणी से उनको जल्दीबाजी करने से जल्दी में राय लेने से या जल्दी में कोई डिसीजन करने से उनको बचना है फरवरी महीना और मई महीना सितंबर महीना और अक्टूबर का महीना उनके लिए सावधानी पूर्वक वाला है इस माह में वह कहीं पर भी पैसा लगाने से बचें किसी को पैसा उधार न दें कटुवाणी से बचें में आपका राशि फल भी आ जाएगा कि पारिवारिक जीवन के लिए यह महा सावधान रहने वाला है किसी दूसरे प्यार के चक्कर में न पड़े सावधान रहें तो इनके लिए यह महा भी शुभ हो जाए होगा अप्रैल 2020 मई 2020 और जुलाई 2020 अगर ये अपने ग्रहों के विपरीत चाल चलेंगे तो नुकसान हो सकता है और अगर यह उपाय करने के साथ पॉजिटिव के साथ चलेंगे तो यह शुभ फल में बदल सकता है मकर राशि वाले मकर राशि वालों को मार्च दो हजार बीस जून दो हजार बीस दो हजार बीस नवंबर दिसंबर दो हजार बीस में सावधान रहने की जरूरत है कहा गया कि भाग्यम फलन तो सर्वत्र न च विद्या न च लेकिन फिर भी अगर आप भाग्य को जान रहे हैं और अगर आपकी कुंडली में कुछ सावधानी लिखी है तो आपको सावधान रहना पड़ता है रहना भी चाहिए कुंभ राशि वाले मार्च 2020, मई 2020, अगस्त 2020, अक्टूबर और नवंबर 2020 में सावधान रहें बार बार सावधान रहने को कह रहा हूं यह नहीं कह रहा हूं कि किसी ग्रह में बहुत बुरा फल या बहुत बुरा समय आने वाला है इसके पीछे कारण क्या है मैं बता रहा हूं आपको क्योंकि ब्राह्मण को अपने मुख से गलत नहीं कहना चाहिए क्योंकि ब्राह्मण सरस्वती का उपासक होता है लक्ष्मी का नहीं अगर उसने गलत कह दिया तो वो एक प्रकार से श्राप हो जाता है फिर उसे काटने के लिए उसको फिर ब्राह्मण को दूसरा उपाय करना पड़ता है इसलिए मैं सदा से आपको सावधान करता आ रहा हूं अब है राशियों में बारहवीं राशि मीन राशि मीन राशि वालों को जनवरी 2020, अप्रैल 2020, मई 2020, जून 2020 और अक्टूबर 2020 इन मासों में इन बारह राशि वालों को सावधान रहना है इन बारह राशि के बाद जो राशियां जो मायने बच रहे हैं वो उनके लिए सुफल प्राप्ति का है मैं फिर से आपसे कहूंगा कि अगर बताए गए टोट के उपाय को अगर आप पूर्वक करेंगे तो जो खराब मास आपके लिए है वो भी आपके लिए कार्य हो जाएंगे अगर आप विश्वास और श्रद्धा से बताए गए उपाय को करते हैं तो <coughs> बोले चलिए नमस्कार शुभ मंगल सावधान बारह राशियों के लिए कौन सा मास शुभ है और कौन सा मास कौन सा महीना सावधान रहने वाला है मतलब कि हमारे जो ग्रह विपरीत है फिर से कर फिर से शुभ मंगल सावधान ये बारह राशियों में कौन सी राशि किस माह में सन 2020 में जैसा इसका नाम है 2020 ट्वेंटी तो आपकी बारह महीनों में कौन सा 50 परसेंट शुभ है कौन सा अशुभ है या कौन सा मुझे मास अच्छा फल देने वाला है कौन सा खराब इसके बारे में आपको बताएंगे लेकिन आप एक बात ध्यान रखें अशुभ मास में या जो सावधान रहने वाला मास है वह मास भी आपका शुभ बन जाता है जब आप अपनी जन्म कुंडली के ग्रहों का उपचार अच्छे से करते हैं और बताए हुए टोटके को प्रयोग को अगर आप श्रद्धा भाव से करेंगे तो आपको संकटों का सामना नहीं करना पड़ेगा पहले बता रहा हूं मेष राशि वालों के लिए नोट कर लें मेष राशि वालों के लिए जो महीना शुभ नहीं है पहले मैं वो बता रहा हूं वह माह है फरवरी 2020 मई 2020 सितंबर 2020 और अक्टूबर 2020 इन चार माह में उनको सावधान रहने की जरूरत है इन चार माह को छोड़कर जो आठ माह बचे हैं वह इनके लिए सुफलका ही है लेकिन इसमें भी उनको अपने अभीष्ट के अपने सिद्ध अपने कुलदेवी का अपने ग्रहों का उपचार करते रहना चाहिए वृक्ष राशि वालों के लिए फरवरी 2020, मार्च 2020, अप्रैल 2020, मई 2020 और सितंबर 2020 सावधान रहने वाला है मैं पहले भी कह चुका हूं कि जो सावधान रहने वाला ग्रह है वो आपके उस समय ग्रहों का अच्छा फल नहीं देता है तो हमें कुछ उपाय कुछ टोटके करते रहने चाहिए जिससे वह समय भी हमारा ठीक हो जाए